मथुरा थाना गोविंद नगर में एक दिन की थाना प्रभारी के तौर पर कक्षा 8 की छात्रा आरजू सक्सेना ने शुक्रवार को चार्ज ग्रहण किया है। आरजू 11 वर्ष की है और कक्षा 8 में पढ़ती है और वह टाइक्वांडो की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है। मथुरा के थाना गोविंद नगर की एक दिन की कोतवाल बनी आरजू सक्सेना ने थाने पर आकर चार्ज ग्रहण किया। इसके बाद पुलिस स्टेशन में सभी से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नन्ही कोतवाल ने थाने पर अपनी शिकायत लेकर आए फरियादियों की शिकायतें भी सुनी और संबंधित पुलिसकर्मी को शिकायतें समाधान के लिए दी। इस दौरान एक महिला अपना पर्स गुम होने की शिकायत लेकर भी 11 साल की कोतवाल के पास पहुंची। इसकी शिकायत सुनने के बाद कक्षा 9 में पढ़ने वाली नन्ही कोतवाल आरजू सक्सेना ने महिला को उसका खोया हुआ पर्स वापस लौटाया। आरजू सक्सेना ने थाने की जीप में बैठकर क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी, तो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे थे और मोबाइल पर बात कर रहे थे, उनको भी कानून के बारे में जानकारी दी और अवेयर किया। ये देखिए, मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आस्थाना गोविंद नगर जनपद मथुरा द्वारा एक सराहनीय पहल किया गया, जिसके क्रम में एक आरजू सक्सेना नाम की एक बच्ची जो कि क्लास 8th में पढ़ती है, जो थाना गोविंद नगर क्षेत्र की रहने वाली है, उसे एक दिवस का थाना प्रभारी का चार्ज उसे आज दिया गया है। इस प्रकार की जो पहल हम लोगों के द्वारा की जा रही है, उसका सबसे पहला उद्देश्य यह है कि जो हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो पुलिस की कार्यप्रणाली को ज़्यादा गहराई से समझ पाएँ। जो उनकी शिकायतें हैं, चाहे वो अपराध से संबंधित हो, उत्पीड़न से संबंधित हो, उन शिकायतों को वो पुलिस के साथ साझा कर सकें, ताकि पुलिस समय रहते उस पर तत्परता से कार्रवाई कर सकें। साथ ही उसमें इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, उसमें महिलाओं के आत्मसम्मान में, उनके आत्मविश्वास में अवश्य ही वृद्धि होगी। इसमें जैसे मुख्य रूप से उनको इस बात का प्रशिक्षण या जागरूक किया जाता है कि किस प्रकार से पुलिस शिकायतों को सुनती है, किस प्रकार से पुलिस शिकायतों का निस्तारण करती है। विशेषकर महिलाओं से संबंधित जो शिकायतें हैं, उनको सुनने के लिए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क जो बनाया गया है, उसमें एक महिला कांस्टेबल या महिला SI रैंक के एक दिवसाधिकारी नियुक्त होती हैं, जो महिलाओं से संबंधित शिकायतों को गोपनीय कक्ष में सुनती हैं, ताकि महिला की जो समस्या है और उसका नाम हो सार्वजनिक न होने पाए, और साथ ही साथ जो उसमें अपराधी है उस पर तत्परता से पुलिस द्वारा कार्रवाई किया जा सके। मैंने थाने को इंचार्ज करा, कंप्यूटर केबिन को इंचार्ज करा और बहुत सी चीजें करी। आप गाड़ी से बाहर भी गई गश्त लगाने? यस। तो कैसा अनुभव रहा आज आपका? मेरा ऐसा अनुभव रहा कि बहुत से लोग जो सही नहीं है उनको सही करे पुलिस। तो पुलिस को आप कैसे देखते हैं, पुलिस का काम कैसा है? पुलिस का काम बहुत टफ है, नॉट इजी, इट इज टफ काम। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी, अगर आप पुलिस की हेल्प करेंगे तो अच्छा है। पुलिस तो आपकी हेल्प कर रही है और किसी की हेल्प नहीं करेगी, पुलिस आपकी हेल्प कर रही है। पुलिस लॉकडाउन में भी पुलिस ने आपको इतना सहाय दिया, पर आप थोड़ा सा उनको अगर हेल्प करें ना, तो पुलिस आपकी बहुत मदद करेगी। मेरे पास मैं होली गेट गई हुई थी मार्केट के लिए, तो मैं उधर से आते वक्त मेरा पर्स मैं विकेट से उतरी थी, विकेट पे मेरा पर्स चोरी हो गया। फिर मुझे यहाँ आके थाने, मुझे कैम्ब्रिज से वाले को मैंने ढूंढा, उसने मुझे बताया कि आपके पास थाने में, मैं यहाँ आई, यहाँ एक छोटी अधिकारी है, उन्होंने फिर मुझे मेरा पर्स वापस किया। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए आज आपका पर्स? बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, मतलब मैं इस पर्स के लिए बहुत परेशान थी, जाने कहाँ कहाँ मैंने वाले को पहले तो ढूंढा था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, शुक्रिया, उन्होंने मेरा पर्स मुझे वापस किया।